नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। द्रोणागिरी पर्वत पर हो रही है संजीवनी बूटी की तलाश। उत्तराखंड सरकार राज्य में संजीवनी बूटी की तलाश कर रही है। ये वही संजीवनी बूटी है जिसके पर्वत के एक हिस्से को हनुमान जी यहां से उखाड़कर राम के सम्मुख ले आए थे ताकि लक्ष्मण की मूर्छा दूर हो सके। संजीवनी बूटी को खोजने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों का एक पैनल बनाकर उन्हें जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत जाने के निर्देश दे दिए हैं, जो करीब 4000 मीटर ऊंचा है। राज्य सरकार संजीवनी की खोज का ये काम अब अपने संसाधनों से करेगी। इससे पहले सरकार ने केंद्र सरकार से इस प्रोजेक्ट के लिए बजट उपलब्ध कराने को कहा था। कुछ वर्षों पहले योग गुरु बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण ने भी इसी संजीवनी को खोज निकालने का दावा किया था। हाफिज सईद का खुलासा, कश्मीरी हिंसा की अगुवाई कर रहा था लश्कर कमांडर। मुंबई आतंकी हमलों में मोस्ट वांटेड आतंकी सरगना हाफिज सईद ने कश्मीर में भड़की हिंसा को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसके चलते वो खुद और पाकिस्तान बेनकाब हो गए हैं। हाफिज ने खुलासा किया है कि कश्मीर में हुए विरोध मार्च की अगुवाई लश्कर का एक कमांडर कर अमीर कर रहा था। अमीर पाकिस्तान के समर्थन में कश्मीरियों को एकजुट कर रहा था। जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने दावा किया कि लश्कर ए तैयबा के एक सरगना अमीर अबू दुजना ने मुठभेड़ में मारे गए हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के जनाजे का नेतृत्व किया था। आतंकी सईद के इस दावे से कश्मीर घाटी में भारत विरोधी प्रदर्शनों में पाकिस्तानी आतंकी संगठन की भूमिका के भारत के आरोप को बल मिलता है। जमात सरगना सईद ने लाहौर से करीब 185 किलोमीटर दूर फैसलाबाद में एक रैली में ये बयान दिया। डोभाल को किया सतर्क, 15 अगस्त नरेंद्र मोदी की जान को खतरा। देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा बताया है। एजेंसियों ने सलाह दी है कि उनको 15 अगस्त को लाल किले से बुलेट प्रूफ सुरक्षा में भाषण देना चाहिए। मिली जानकारी के मुताबिक खुफिया विभाग और एसपीजी की ओर से ये बात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से कही गई है। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले में प्रधानमंत्री के मंच को बुलेट प्रूफ शीशे से ढकने को कहा गया है। पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी पलों में बुलेट प्रूफ मंच से भाषण नहीं देने का फैसला किया था। सुरक्षा से जुड़े एक उच्च अधिकारी ने बताया कि ये सलाह कश्मीर में जारी तनाव और सीमा पर घुसपैठ के अलावा हाल के दिनों में आईएस की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा अधिकारियों को आशंका है आतंकी प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे को ड्रोन से तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसीलिए भी ज्यादा सतर्क रहना जरूरी हो गया है।